ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में और मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। आज का विषय है सूर्य का परिवर्तन। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन कैसा रहेगा? देखिए, कुंभ राशि या कुंभ लग्न, जिनकी भी कुंभ राशि है उनके लिए भी ये प्रेडिक्शन है, जिनकी कुंभ लग्न है उनके लिए भी ये प्रेडिक्शन। हमारे ज्योतिष में अध्ययन करते वक्त ये साथ समझने की आवश्यकता रहती है, जब हम ज्योतिष सीखते थे कि कौन सी लग्न, कौन सी राशि इस व्यक्ति के लिए, कौन सा कुंडली को देखते हुए क्या प्रभाव है, लग्न राशि सूर्य राशि या कौन सा लग्न किस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाए, ये सब विषय है शोध का। और ज्योतिष के अंदर बहुत अच्छे से अध्ययन करने लगता चलता है कि कहाँ कुंडली मैच कर रही है किस किस चीज़ से, और उन सबको देखते हुए हमने ये व्यवस्था चालू करी। बहुत सारे आज के यूट्यूब का जमाना आ गया, बहुत सारे लोग घर बैठे बैठे बहुत चीज़ समझना चाहते हैं, तो हमारे इस आचार्य वाणी चैनल के माध्यम से हम आपके साथ लगातार बहुत समय से जुड़े रहते हैं। बहुत सारे लोग हमें कमेंट भी कर रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं और बहुत सारी बातें भी जान रहे हैं ज्योतिष विज्ञान के संबंध में। और इस बात को हमें समझें कि कुंभ लग्न वालों के लिए ग्रहों का जो परिवर्तन हो रहा है, सूर्य का परिवर्तन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सूर्य सिंह राशि में आने वाले 17 अगस्त को आएंगे और करीब करीब 1:32 पर ये राशि प्रवेश करेंगे और 17 सितंबर को चले जाएंगे, आगे निकल जाएंगे वो भी करीब करीब 1:31 को। पूरे 31 दिन तक ये योग बनने वाला है। 31 दिन तक सूर्य यहाँ पर आपकी सिंह राशि में रहेंगे गोचर के दृष्टिकोण से। आपकी राशि में यदि हम बात करें कुंभ राशि वालों के लिए, सप्तम भाव के स्वामी है सूर्य। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव माना जाता है। सप्तम भाव विशेष तौर पर आप समझें कि एक भाव माना जाता है अपने जीवन साथी का भाव, आपके व्यापार का भाव, आपका युद्ध का भाव माना जाता है और कई बहुत इंपॉर्टेंट भाव माना जाता है। सीधा लग्न को देखता है, सप्तम भाव में जो भी ग्रह बैठा होगा वो सीधा लग्न पर प्रभाव डालेगा, क्योंकि हर ग्रह की दृष्टि जो होती है वो सप्तम भाव में दृष्टि तो होती ही है। तो ऐसे में विशेष तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट प्रभाव रहने वाला है कि खासतौर पर आपको कैसे उसको ठीक करना है। सूर्य का प्रभाव तब लग्न पर जब पड़ता है तो विशेष तौर पर व्यक्ति को एग्रेसिव बना देता है, छोटी छोटी बातों में अननेसेसरी गुस्सा आने के योग बन जाता है। और ऐसे में सूर्य का जो प्रभाव आपके लिए पड़ रहा है वो आपको समझ लेना चाहिए क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करेगा। ये जो विशेष तौर पर यदि हम सबसे पहले बात जातक के बच्चे छोटे बच्चों की बात करें जो अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अच्छा रहेगा उनके लिए। और खासतौर पर साधारण सा प्रभाव दिखाई देता है बहुत ज़्यादा, लेकिन मन शांत रखने की ज़रूरत है। ऐसे में हो सकता है बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए, तो उनको थोड़ा शांत रखते हुए, समझाते हुए, काउंसलिंग करते हुए बात करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में व्यक्ति स्वतंत्र भाव उत्पन्न कर लेता है। कई बार क्या होता है, हम दबकर काम कर रहे होते हैं, वो जो भी कुछ कह भी दिया तो कई बार इग्नोर कर देते हैं, भैया कोई बात नहीं इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब सूर्य सामने सप्तम भाव में आ जाएंगे गोचर में चलते हुए तो व्यक्ति को स्वतंत्र स्वभाव उत्पन्न हो जाता है। किसी के अधीन पराभव रहते हुए काम करना, यानी किसी के अंडर रहते हुए काम करना उसको स्वीकार नहीं होता। स्वतंत्र प्रभाव, स्वतंत्र प्रभाव हर चीज में जाता है कि मैं किसी के साथ में काम करूं, बिल्कुल ऐसा प्रभाव उत्पन्न हो जाता है कि थोड़ा सा रिवोल्टी व्यक्ति बन जाता है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। ऐसे में व्यक्ति एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, सूर्य राज्य स्वभाव के स्वामी है। सूर्य राजा है, राज्य स्वभाव के स्वामी है, ऐसे व्यक्ति बहुत उदार हो जाते हैं। जब लग्न को देखेगा तो सूर्य का लग्न का प्रभाव उदार भाव भी, और फिर जब उदार भाव हो जाता है तो राजा कई बार आलसी भी होता है। जब राज्य व्यक्ति हो जाता है, राजा बहुत अच्छा समय चल रहा होता है, राजा तभी रहेगा ना, तो ऐसे में क्या थोड़ा आलस्य में आ जाता है, और आलस्य में कई बार ऐसे व्यक्तियों के साथ उस समय में धोखा भी हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो सूर्य का परिवर्तन आपके लिए हो रहा है कुंभ राशि वालों, ऐसे में आपके अति उदार स्वभाव के कारण से, थोड़ा सा इग्नोर करने के स्वभाव के कारण से, चीज़ों को थोड़ा सा लाइटली लेने के स्वभाव के कारण से कुछ जगहों में आपको धोखा मिल सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें, नहीं तो धोखा अवश्य संभावित दिखाई देता है आपकी राशि के अनुसार से। आपको बहुत ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें तो बहुत जरूरी रहेगा। जीवन साथी के लिए थोड़े ग्रह भारी दिखाई देते हैं, उनके स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों में एंजाइटी ना पाले, छोटी छोटी बातों में एग्रेसिव ना हो सकता है, बहुत छोटी छोटी बातों में आपस में मनमुटाव इन दिनों होने के लिए बन जाए।
थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, अन्यथा इस संबंध में थोड़ा सा कष्ट होने के लिए दिखाई। स्वास्थ्य के संबंध में देखिए अब क्या हो रहा है, सूर्य सप्तम भाव में चल रहे हैं, एंजाइटी दे सकते हैं, पित्त को बढ़ा सकते हैं, तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरी है। और मन थोड़ा सा उद्विग्न हो सकता है, इस बात को ध्यान रखें, मन में थोड़ी छोटी बातों को लेकर कहीं चोट हल्की सी लग सकती है, वो आपके वाणी में भी सूर्य जो है थोड़ी सी उत्तेजना दे देगा, थोड़ी सी बड़ा एग्रेसिवनेस बढ़ा देगा। सूर्य जहाँ बैठा हुआ है आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर वो हर्ट अल्टीमेटली हर एक्शन का एक रिएक्शन भी होता है, वो आपको हर्ट कर सकता है। तो ऐसे में बड़े सावधानी के साथ धीरे धीरे हर चीज़ को सोच विचार कर काम करने की जरूरत है, कहीं अच्छा है कहीं खराब है, तो इन सब बातों को सोचते हुए काम करने की जरूरत है। उपाय के तौर पर कुछ उपाय आप नोट कर सकते हैं, गौशाला में थोड़ा सा यदि लाल गाय आपको दिखाई दी जाए तो वहाँ कोशिश ये करें आप विशेष तौर पर कुछ अन्न इत्यादि या चना इत्यादि गाय के निमित्त जौ इत्यादि आगे भिगो लें, वो गाय गौशाला में जाके दान कर दीजिए, गाय को खिला दीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत कष्ट आ जाएगा। एक काम और कर सकते हैं, हर रोज जो पुराने जमाने के सिक्के होते थे वो एक लोटे में डालकर उस सिक्के डालकर फिर भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का प्रयास कीजिए। एक बिल्वपत्र लेकर जल में डालकर उसके द्वारा भी नित्य प्रति भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय हैं, ये इसको कर आप बहुत बढ़िया तरीके से अपने कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। ये उपाय हमने आपको बताने का प्रयास किया, क्या प्रभाव सूर्य का हो रहा है आपकी राशि के अनुसार से वो आपको समझ लेना चाहिए, और उसके द्वारा आप बहुत बढ़िया तरीके से अपने कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। लेकिन ये सूर्य का प्रभाव आपके लिए बड़ा विचित्र है, तो इन सब चीज़ों को समझते हुए आप काम करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। सूर्य तेज के स्वामी, सूर्य कीर्ति के स्वामी, सूर्य राजा है, और वही आपके सप्तम भाव में आ गए हैं। सप्तम भाव में गोचर प्राप्त करेंगे तो कई जगह आपको अच्छा भी योग बनाने वाले हैं, तो कोशिश ये करें आप अपने उदार स्वभाव से लाभ लेने का प्रयास करें, लेकिन थोड़े अलर्ट रहते हुए लेके रहेंगे तो आपके धोखा नहीं देंगे। उदार स्वभाव से क्या होता है, बहुत सारे लोग आपके मित्र बन जाते हैं, आप जब थोड़े से एरोगेंट होते हैं तो लोग थोड़े से आपसे दूर भागते हैं, लेकिन जब उदार स्वभाव हो जाता है तो क्या होता है, लोग आपके मित्र बन जाते हैं। इस प्रभाव को यूटिलाइज करने का आपको प्रयास करना चाहिए। एक महीने के लिए सूर्य का परिवर्तन जहाँ हो रहा है वो आपको विशेष तौर पर स्थिति से लाभ देने के योग बना सकता है, तो ऐसे में आपको उन सब चीज़ों का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। स्वतंत्र प्रभाव से काम ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसे में सूर्य का जब परिवर्तन होगा तो आप स्वतंत्र प्रभाव से जो कार्य करेंगे उसमें बहुत बढ़िया तरीके से उसको सफलता की तरफ ले जाने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, बट शांत रहते हुए कार्य करें। जितना इंडिपेंडेंट काम करते हैं उतना ज़्यादा आपको अलर्ट रहना चाहिए, जब कोई सपोर्ट लग रही होती तो क्या होता है आधा काम हम उस पर डाल सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र प्रभाव से काम करते हैं तो चौकन्ने रहते हुए कार्य करना पड़ता है, तो चौकन्ने रहते हुए काम करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से लाभ भी लेंगे, आगे बढ़ने के योग बनाएंगे, और जो उपाय हमने बताए उनको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। ऐसे में थोड़ा ध्यान कीजिए, और साथ साथ हो सके तो मंत्र इत्यादि का यज्ञ भी कर सकते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर व्यवस्था कर रखी है, हर रविवार को एक विशाल यज्ञ नवग्रह शांति महायज्ञ के नाम से आश्रम पर यज्ञ रहता है। ऐसे में सूर्य का परिवर्तन का जो प्रभाव पड़ रहा है उस अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए आप रविवार को यज्ञ जो होता है उसमें सम्मिलित हो सकते हैं विवेकानंद योगाश्रम में। सुबह करीब करीब 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है, उसमें नवग्रह शांति महायज्ञ और गायत्री का यज्ञ और साथ साथ भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के विभिन्न मंत्रों के द्वारा यज्ञ किए जाते हैं। आप सब लोग दिल्ली में जो फोन नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध कर उस यज्ञ में भाग लेने के लिए आ सकते हैं, और माँ भगवती का सुंदर दर्शन प्राप्त कर कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।